हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। आप लोग को चैनल में फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज के दिन में मार्केट ग्रीन में था, तो जो भी करेक्शन हो गया स्टॉक्स में, थोड़ा अभी रिकवरी हो रहा है, तो फर्दर अनसर्टेनिटीज ख़त्म हो गया करके बोल नहीं सकते। बट जो भी हमने शॉर्ट टर्म के लिए जो स्टॉक्स लिया था, उसमें ऑलरेडी 10 से 12% का तेज़ी हमको देखने मिला है। येस बैंक का भी आज का दिन में 5% में अपर सर्किट था इसमें, और स्टील स्ट्रिप्स वी लिमिटेड का कल हमने वीडियो पोस्ट किया हुआ है, इसका स्टॉक स्प्लिट आने वाला है। जो अभी एडवांस में एंट्री लेंगे तो हमको शॉर्ट टर्म में अच्छा खासा रिटर्न्स मिल सकते हैं। दोस्तों, बहुत लोग हमारा चैनल को रेगुलरली फॉलो करते हैं, सब्सक्राइब किया हुआ है, तो मोर देन 40% लोग हमारा वीडियो वॉच करते हैं, सब्सक्राइब नहीं है। बट एनी हाउ, जराउद जी ने रिपीटेडली 2 बार कमेंट किया था वेदांता का वीडियो बनाने के लिए। नॉर्मली हम जो भी वीडियो पोस्ट करते हैं हमारे चैनल में, हमारे पोर्टफोलियो में जो स्टॉक्स है उसका ही बारे में हम अपडेट्स देते हैं, तो वेदांता हमारा पोर्टफोलियो में नहीं है। बट राउत जी आपका रिक्वेस्ट का बेसिस में ये वीडियो बना रहे। तो दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल को फर्स्ट टाइम विजिट किया तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल बटन प्रेस कीजिए ताकि आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलते रहे। तो दोस्तों, वेदांता में 1950% का डिविडेंड मिलने वाला है, तो ये बहुत बड़ा जैसा दिख रहा है, बट 19.5 रुपीज़ का डिविडेंड है। तो इसका बारे में आगे हम डिटेल में देख लेते हैं। बट इसका जो फेस वैल्यू है 1 रुपये का सामने, अगर ये कंपनी अच्छा खासा डिविडेंड देते हैं हर साल में, और इसका खास बात बोलने का है तो इंडिया का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर एंड एक्सपोर्टर ऑफ आयरन ओर इन द प्राइवेट सेक्टर। ये जो कंपनी है 13 मई 1998 में NSE में लिस्टिंग हुई और डाइवर्सिफाइड मेटल सेक्टर में आता है। इनका बिजनेस सेगमेंट है आयरन ओर एंड स्टील, कॉपर, जिंक, ऑयल एंड गैस, एल्यूमिनियम, पावर, जो डाइवर्सिफाइड सेक्टर में इनका बिजनेस सेगमेंट्स है। और जैसा हमने बताया, लार्जेस्ट आयरन ओर प्रोड्यूसिंग एंड एक्सपोर्टर है। जो इसमें करेक्शंस आ गए थे पिछले थोड़ा दिन में, आपको पता है जो एक्सपोर्ट में जो टैक्स बढ़ाया गया था, अभी इसमें कम किया हुआ, तो अभी थोड़ा ट्रेंड अपवर्ड फिर से स्टार्ट हो गया इसमें। और एक खास बात यही है कि ये जो दुनिया में टॉप 4 में आता है आयरन ओर प्रोडक्शन में, ये कंपनी दुनिया में भी टॉप 4 में है। तो बाकी डिटेल हम आगे देख लेते हैं। जो अभी का प्राइस है 255। तो दोस्तों, इसका मार्केट कैप है 94,714। लार्ज कैप का कंपनी है और फेस वैल्यू 1 ने ऑलरेडी हमने बताया, करंट मार्केट प्राइस 255, बुक वैल्यू 222। जो करंट मार्केट प्राइस है बुक वैल्यू से बहुत ही जस्टिफाइड है, बहुत नज़दीक है, और 52 वीक्स का लो का भी नज़दीक है। 52 वीक्स लो है 206 और 52 वीक्स हाई है 440। और नेट प्रॉफिट, अगर लास्ट ईयर का आप नेट प्रॉफिट देखते हैं तो ये 23,709 करोड़ का नेट प्रॉफिट था इसमें। और प्रमोटर्स का होल्डिंग है 69.69%। बट इसमें एक नेगेटिव बात है, 100% इनका जो 99.99% इनका जो प्रमोटर्स होल्डिंग है प्लेज्ड है, और पब्लिक का पास बहुत कम है, 9.13% का पब्लिक का पास होल्डिंग है, और DII का पास 11.62, FII का पास 9.35% का शेयर होल्डिंग है। तो दोस्तों, अगर आप क्वार्टरली नेट प्रॉफिट देखते हैं तो पिछले 5 क्वार्टर में कंपनी में अच्छा खासा प्रॉफिट है, तो रेगुलरली ये प्रॉफिट बुक करते हैं और उसका हिसाब से डिविडेंड भी देते हैं। पिछले मार्च क्वार्टर का इसका प्रॉफिट था 7,261 करोड़ का, और पिछले फाइनेंशियल ईयर का ऑलरेडी हमने देखा 23,709 करोड़ का नेट प्रॉफिट है। अगर डिविडेंड के बारे में आप देखते हैं तो 2021 में 2 बार ये कंपनी ने डिविडेंड दिया था, 18.5, 13.5, और 2022 में मार्च में इंटरिम डिविडेंड ऑलरेडी 13 रुपीज़ का डिविडेंड दिया हुआ है, और फिर से 31.5 रुपीज़ का इसमें मई महीने में डिविडेंड दिया था। अगर आप ये फाइनेंशियल ईयर आप पकड़ के चलते हैं तो ये अभी सेकंड डिविडेंड है 19.5 रुपीज़ का। तो जैसे जैसा जब भी ये डिविडेंड देगा, इसमें प्राइस करेक्शन होते हैं, वो आगे हम टेक्निकल चार्ट्स में देख लेते हैं। अगर प्राइस परफॉर्मेंस देखते हैं तो दोस्तों, पिछले 3 महीने में इसमें 40% का करेक्शन हुआ है जो प्राइस में, उसका रीज़न आप इधर देख सकते हैं। तो 31 रुपीज़ का डिविडेंड दिया, वो करंट मार्केट प्राइस में करेक्शन होता है। फर्दर जो एक्सपोर्ट में जो टैक्स में बढ़ाया गया, उसका वजह से भी इसमें करेक्शंस आ गया था। और इसका जो अभी AGM होने वाला है, अगस्त 10, 57th एनुअल जनरल मीटिंग होने वाला है, तो AGM में क्या खास बात आने वाले है वो आगे आप देख लेते हैं। अभी कुछ अपडेट्स नहीं है। इसका अभी जो जून क्वार्टर का जो रिजल्ट है 27 जुलाई को आने वाला है, आप इधर
देख सकते हैं जो डिविडेंड का इन्होंने 1950 पर NSE का वेबसाइट में जाके आप कॉर्पोरेट अनाउंसमेंट में इसका अपडेट्स देख सकते हैं, जो डिविडेंड का बारे में 19 जुलाई को इन्होंने अपडेट दिया हुआ है, जो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है, 19.5 रुपीज़ का डिविडेंड रहेगा। और इसका जो डेट रहेगा, रिकॉर्ड डेट आप इधर देख सकते हैं, रिकॉर्ड डेट ऑफ द पेमेंट इज 27th जुलाई। तो 27 जुलाई को आपको रिकॉर्ड डेट रहेगा। दोस्तों अगर आप फ्रेश एंट्री किया हुआ है तो हमारा सजेशन ये है कि आप अगर आपको कुछ अच्छा खासा रिटर्न मिल जाता है 27 जुलाई का पहले, तो उसका पहले आप एग्जिट कर सकते हैं और फिर इसमें पोस्ट डिविडेंड के बाद में री एंट्री कर सकते हैं, क्योंकि जब भी इसमें डिविडेंड होता है तो इसमें शार्प करेक्शंस आ जाते हैं। तो आप टेक्निकल इंडिकेटर्स देख लेते हैं दोस्तों। ये हमने 2003 से इसका लॉन्ग टर्म का चार्ट लगाया, आप इधर देख सकते हैं, ये पिछले साल में 400 रुपीज़ को टच करके उसका बाद में इसमें डाउनवर्ड मूवमेंट था इसमें, अभी इसमें थोड़ा ट्रेंड रिवर्सल आ गया, आप इधर देख सकते हैं। और पहले भी ये कंपनी 480 रुपीज़ तक इसने हाई बनाया हुआ है ये 2010 में, उसका बाद में अप्स एंड डाउन्स कंटिन्यूस है, बट लगातार ये अच्छा खासा परफॉर्मेंस दे रहा है और साथ साथ में इसमें अच्छा खासा वॉल्यूम भी है। अभी का जो वॉल्यूम है कल का दिन का और आज का 2 करोड़ का वॉल्यूम है, तो हमेशा इसमें अच्छा वॉल्यूम रहता है। अगर आप शॉर्ट टर्म का चार्ट देखते हैं तो जैसा हमने बताया, ये कंपनी आपको आप लॉन्ग टर्म होल्ड करते हैं तो भी अच्छा खासा डिविडेंड देते रहते हैं। अभी जो एंट्री के लिए बहुत अच्छा प्राइस है, पहले भी ऑलरेडी ये 1 साल में 4 बार डिविडेंड आ गया, मतलब आप पिछले 12 मंथ्स का रिकॉर्ड देखते हैं तो सेप्टेम्बर से अभी तक इसने 4 बार डिविडेंड दिया हुआ है और अभी 5th टाइम डिविडेंड आने वाला है। ये बुलिंजर बैंड को कट करके ऊपर की तरफ गया, इसमें अभी तेज़ी आ गया, आप इधर देख सकते हैं RSI 56 है, जो ये बेस्ट प्राइस था बाई करने के लिए अराउंड 215 का रेंज में। इसमें अगर आप ये प्राइस में एंट्री किया है तो आप बहुत सही प्राइस में एंट्री किया हुआ है, तो आपको होल्ड एंड कंटिन्यू कर सकते हैं। अभी 19.5 का जो इंटरिम डिविडेंड अनाउंस किया हुआ है। और MACD देखते हैं तो ये सिग्नल लाइन का नीचे क्रॉस ओवर करके ऊपर की तरफ गया, तो आपको अगर सिग्नल लाइन को ऊपर जाता है तो अच्छा खासा वॉल्यूम के साथ क्रॉस ओवर करते हैं तो आपको लॉन्ग टर्म ट्रेंड बोल सकते थे, बट ये टेम्प्रोरी मूवमेंट्स भी हो सकते हैं। जैसा हमने बताया अभी 254 है, शायद ये 27 जुलाई तक 280 तक भी जा सकते हैं, फिर डिविडेंड का बाद में उतना करेक्शंस होके 19.5 रुपीज़ का करेक्शन होके नीचे की तरफ आ जाएगा। तो अगर आप ये प्राइस में एंट्री लिया है तो आपको डिविडेंड का पहले एक्स डेट का पहले प्रॉफिट बुक करके निकल सकते हैं। अगर आप ऑलरेडी पहले आपका पास जो ज़्यादा प्राइस में आपने एंट्री लिया है तो आपको ऐड ऑन डिप्स भी अभी कर सकते हैं, तो आपको डिविडेंड भी एंजॉय कर सकते हैं इसमें। फर्दर अगर आप प्राइस टारगेट देखते हैं तो नॉर्मली हम टिकर टेप का एनालिसिस देखते हैं, इधर हमने टिकर टेप में 15 एनालिस्ट ने उनको ओपिनियन दिया, आउट ऑफ 15 73% एनालिस्ट बाइंग का रिकमेंडेशन कर रहे हैं और इनका जो चेकलिस्ट है सारा ग्रीन है, जो एंट्री पॉइंट अभी गुड टाइम करके कंसिडर कर रहे हैं। अगर प्राइस टारगेट आप देखते हैं तो करंट मार्केट प्राइस है 255, जो हाई प्राइस बोल रहे इधर 173% का ये हाई प्राइस का इनका टारगेट दिया है 697, और मीडियम अप देखते हैं तो 68% 428 रुपीज़, और लो देखता है तो 17.45%। जो भी इनका जर्नलिस्ट का ओपिनियन दिया हुआ है इधर से आपको पॉजिटिव मूवमेंट ही रहेगा। अगर आप लॉन्ग टर्म होल्ड करते हैं तो इसमें 50-60% का हमको तेज़ी देखने मिलता है, शॉर्ट टर्म में आपको 25-30% भी देख सकते हैं, बट डिविडेंड का बाद में इसमें एक करेक्शन रहेगा, फर्दर आपको ये अपवर्ड मूवमेंट लेता है तो आपको एंट्री कर सकते हैं, नहीं तो होल्ड एंड कंटिन्यू कर सकते हैं। दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, फर्स्ट टाइम चैनल को विजिट किया तो सब्सक्राइब कीजिए। टेक केयर दोस्तों, बाय बाय।